श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गुरु पर्व हर साल हमारे लिए क्या संदेश लेकर आता है। एक्चुअली में संदेश हमारे नवजीवन के लिए होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सूर्योदय होने पर सबसे पहले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि की संरचना शुरू की थी। उन्होंने इसे प्रतिपदा तिथि को प्रवरा अथवा सर्वोत्तम तिथि कहा है, इसलिए इसको सृष्टि का प्रथम दिवस कहते हैं। इस दिन से संवत्सर का पूजन, नवरात्र घट स्थापना, ध्वजारोपण, वर्षेस का फल पाठ आदि विचित्र विधि विधान किए जाते हैं। बहुत सारे विधि विधान हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा बसंत ऋतु में आती है। इस ऋतु में संपूर्ण सृष्टि में सुंदर छटा बिखर जाती है। कहा गया है, चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि, शुक्ल पक्षे समग्रे तु तदा सूर्योदय सति। ये कहा गया है गुड़ी पर्व के बारे में, जिसका अर्थ मैंने आपको बतलाया। विक्रम संवत के महीनों के नाम आकाशीय नक्षत्रों, उसके उदय और अस्त होने के आधार पर रखे गए हैं। कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। सूर्य में अग्नि और तेज है और चंद्रमा में शीतलता। शांति और स्मृति का प्रतीक सूर्य और चंद्रमा के आधार पर ही सायन गन्ना की उत्पत्ति हुई। इससे ऐसा सामंजस्य बैठ जाता है कि तिथि वृद्धि, तिथि छः अधिक मास, छः मास यदि व्यवधान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तिथि घटे या बढ़े, लेकिन सूर्यग्रहण सदैव अमावस्या को ही होगा और चंद्रग्रहण सदैव पूर्णिमा को ही होगा। उसी तरह हमारा गुड़ी पर्व है। सूर्य चंद्रमा की गति के अनुसार ही तिथियां भी उदय होती है। मान्यता है कि इस दिन दुर्गा जी के आदेश पर श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इस दिन दुर्गा जी के मंगल सूचक घट की स्थापना की जाती है। तो ये दिन बड़ा विशेष होता है हमारे हिंदुओं के लिए। और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस दिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा जो पूरा वर्ष है वो मंगलमय हो, सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाए। दुर्गा जी की पूजा के साथ नूतन संवत की पूजा करें। घर को वंदनवार से सजाकर पूजा का मंगल कार्य संपन्न करें। कलश स्थापना और नए मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं और अपने घर में पूजा स्थल में रखें। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नीम के कपोलों के साथ मिश्री खाने का ये विधान है। इससे रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। तो कहीं ना सिंबल जो है गुड़ी पर्व का हमारे हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है। प्राचीन मान्यता तो ये भी है कि आज के दिन ही भगवान राम जानकी माता को लेकर अयोध्या से लौटे। कहीं कहीं मान्यता ये है कि बाली जहां पे राज्य कर रहा था वहां की जनता बड़ी त्रस्त थी, तो राम ने उनको छुटकारा दिलवाया बाली जैसे राजा से, ये भी मान्यता है। जब अयोध्या में श्री राम आए, जो मान्यता है, उस दिन पूरी अयोध्या में भगवान राम के स्वागत में विजय पताका के रूप में ध्वज लहराए गए। इसे ब्रह्म ध्वज भी कहा जाता है। एक अन्य मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने वर्ष प्रतिपदा के दिन सृष्टि की रचना की। फिर विष्णु ने वर्ष प्रतिपदा के दिन प्रथम जीव अवतार मतलब मत्स्य अवतार लिए। यह भी मान्यता है कि शालीवाहन ने शकों पर विजय आज के दिन ही प्राप्त की थी, इसलिए शक संवत्सर प्रारंभ हुआ। मराठी भाषी मतलब महाराष्ट्र में यह मान्यता है कि मराठा साम्राज्य के अधिपति छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष प्रतिपदा के दिन ही हिंदू पदशाही का भगवा विजय ध्वज लहराकर हिंदू साम्राज्य की नींव रखी।
तो अलग अलग मान्यताएं हैं, पर ओवरऑल जो फैक्ट ये है कि दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक दृष्टि से फल फूल पत्तियों तथा वृक्षों के लिए इसका विशेष महत्व है, पौधों के लिए विशेष महत्व है। हर मराठी भाषी के घर में विजय पताका के रूप में गुड़ी लगाई जाती है। जो महिलाएं हैं वो रंगोली से आंगन तथा गुड़ी लगाने के स्थान को सजाती है। चैत्र मास में पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आ जाती हैं तथा नए अनाज भी आ जाते हैं, जिसका उपयोग सभी देशवासी वर्ष भर करते हैं। उसको नजर न लगे, सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहे, पूरे वर्ष में आने जाने वाले सुख दुख सभी मिलकर झेल सकें, ऐसी कामना ईश्वर से करते हुए नए वर्ष और नए संवत्सर के स्वागत का प्रतीक है गुड़ी पर्वा। तो ये हमने आपको गुड़ी पर्वा के बारे में बताया और गुड़ी पर्वा के दिन क्या करना चाहिए ये बताया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।